धीरे धीरे कदमों से चलने वाला ये शख्स सूर्यवंशम फिल्म को अपने जीवन में ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। अपनी पत्नी को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, लेकिन फिल्म वाली कहानी इस शख्स के जीवन में उल्टा पड़ गया। शख्स भले ही हीरा हो, लेकिन पत्नी ने जो किया उससे पति के पैरों तले जमीन खिसक गई है। हालांकि अब तक जो आरोप है वो सिर्फ पति की तरफ से लगाया गया है, पत्नी का पक्ष आना बाकी है। पति का आरोप है कि नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को टाटा बाय बाय कर दिया। पति का प्यार ऐसा था कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, लेकिन पति को पता होता कि प्यार का ये सिला मिलेगा तो शायद ये सिलसिला शुरू ही ना होता। वैसे कौन किसके साथ रहेगा ये व्यक्तिगत मसला है, लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंचे तो खबर तो बन ही जाती है। पीड़ित पति की ऐसी गुहार कि आप भी एक दफे सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इस शख्स को गौर से देखिए। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र का ये मामला है। इनका नाम मिथिलेश है। शादी साल 2017 में झारखंड की एक लड़की से हुई। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, एक बच्चा भी हुआ जिसकी उम्र 6 साल है। यहाँ तक सब खुशहाल जीवन चल रहा था। इसी बीच पत्नी को 2021 में बीएमपी में नौकरी लग गई, जिसकी पोस्टिंग गया बीएमपी में हुई। पति खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन पति की खुशहाल जिंदगी में तब वज्रपात हुआ जब नौकरी लगने के बाद पत्नी अपने पति से दूरी बढ़ाने लगी। पहले फोन उठाना बंद किया। पति मिथिलेश ने एसएसपी को लिखित आवेदन देकर अब गुहार लगाया है। बताया कि उसकी पत्नी पास नहीं आ रही, वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है लेकिन अब वो मिलना भी नहीं चाहती। अपनी पत्नी से मिलने के लिए आवेदन लिखा है, जिसमें बताया कि उसकी पत्नी बीएमपी बोधगया में तैनात है। काफी मेहनत मजदूरी करके उसने पत्नी को पढ़ाया, लेकिन अब नौकरी लगते ही वो साथ नहीं दे रही है, यहाँ तक कि बच्चों से भी मिलने नहीं दे रही। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मेरे पिता जुगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है जिसका विवाह पहले हो चुका था, उससे हम दोबारा विवाह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है, उसके बाद डाउन लगा 2021 में, उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोध गया, सिपाही नंबर 85 है जो कि सामने है, वहाँ 2-3 साल से आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं, तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है, तो बोले कि हम आके बोध गया में रुकेंगे, तो बोध गया में जब हम कैंप में बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में नहीं थे, तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया बोल के खाना वाना खिलाया, हम रात भर यहाँ रुके, जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले, तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर, उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अथी करके रखा था, तो उसी बात पे तब से वो ना हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, और जब हम यहाँ 3-4 बार मैडम सर से कमांडर सर से मिलने के लिए आए तो ना उन्होंने मिला, हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिए हैं और नहीं मिले, और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे, ना अभी तक फ़ोन किए हैं ना बुलाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, बच्चा भी है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए, तब से न फ़ोन करती है न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। उसका तलाक हुआ 2012 में, तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे, उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे धोबी मंदिर में, दोनों परिवार की सहमति से, उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा, उसके बाद नौकरी होने के बाद 1-1.5 साल पैसा दी, उसके बाद अब 1 रुपया भी देना
पैसा लेना बंद कर दिया है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत की पूरा, हाँ तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अथी किए, खर्चा किए, एक साल रह के दौड़वाए, ट्रेनिंग में साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है, बोलती है। और मेरा बच्चा भी लेके चली गई, तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं। कहाँ रख रही है? अपने पास रखे हुए है। और बोलती झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे, और अभी बोलती है कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है। जो बच्चा से नहीं मिल रही, नहीं बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे, बस इतना ही हम चाहते हैं। पति की गुहार तो थाने में दर्ज हो गई, अब पत्नी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है देखना दिलचस्प होगा। वैसे मिथिलेश के आरोप पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।